गर्मा गर्म गेमिंग गैजेट्स बोलो भाई। हमने बहुत सारे गैजेट्स ट्राई कर रखे हैं। यूजुअली हम जो गैजेट्स वगैरह ना अमेज़न से मंगा लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने यूजफुल गैजेट्स की वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर क्या बढ़िया रिस्पांस दिया। मतलब सिर्फ वही वाली वीडियो पे नहीं, उसके अलावा भी जितनी गैजेट्स वाली वीडियो बनाई है, गेमिंग गैजेट्स हो गए, थोड़े अतरंगी डिफरेंट गैजेट्स हो गए, सब पे तुमने भरपूर प्यार दिया है। लेकिन मेरे को कमेंट सेक्शन से पता लगा कि भैया मीशो पे सस्ते सस्ते गैजेट्स मिल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कितना सस्ता हो गया, और मैंने भाई मीशो की वेबसाइट देखी, वहां पे 20 रुपए में गैजेट स्टार्ट हो रहे हैं, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200 रुपए। तो भाई तुम्हारे भाई ने सस्ते सस्ते बहुत सारे गैजेट्स मंगा लिए, और सही बताऊं भाई ये डिलीवर हो गए थे। मैंने खोल के इन देखे, मैंने कहा सीधा कैमरे पे खोलेंगे, जैसी चीज होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, तुम्हें दिखा देंगे, लेना नहीं लेना वो तुम्हारे हाथ में। शुरू करें बहुत सारे गैजेट्स के साथ। भाई इस वीडियो का बजट बहुत मोटा है, 3000 रुपए में इतने सारे गैजेट्स आ गए। एक दो तीन, टोटल 11 गैजेट्स मंगा लिए मैंने 3000 रुपए में। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ भाई को। कौन सा खोले पहले? तो भाई यहाँ पे जो सबसे पहला गैजेट है हमारा, वो है वायरलेस 5.1 TWS ईयरबड्स। ये मेरे को पड़े थे 427 रुपीज के। मैंने कहा 427 में ऐसे कैसे एकदम अतरंगी से TWS ईयरबड्स हैं। और एक और चीज के डब्बे में से निकली थी, कह रहे भैया 5-स्टार रेटिंग दो और 1000 रुपए तक का कैशबैक पाओ प्रोडक्ट के ऊपर, और मिनिमम कैशबैक इन्होंने 50 रुपए लिख रखा। अब तुम्हारे में से जो भी भोली जनता होगी वो फटाफट से 5-स्टार दे के पैसों के चक्कर में कर लेगा, इनकी हो जाएगी रेटिंग बढ़िया, फिर और लोग खरीद लेंगे, और प्रोडक्ट मान लो अच्छा ना हुआ फिर हम बताएंगे अच्छा है नहीं है, वैसे लग तो नहीं रहा। तो भाई हमारे को कुछ इस तरीके की डिवाइस मिल जाएगी, आप यहाँ देख सकते हो पूरे बढ़िया स्क्रैच व्रैच पड़ रखे हैं उसके ऊपर, ऐसा लग रहा है यूज्ड डिवाइस है। और सही बताऊं तो भाई ये ऑन भी नहीं हो रही, आई थिंक इसकी ना बैटरी वैटरी डाउन है। तो इसको जरा चार्जिंग पे लगा लेते हैं और अगले गैजेट की तरफ बढ़ते हैं, तब तक ये चार्ज हो जाएगा। भाई तुम इसका फर्जी बना देखो, मैंने आज इसको चार्जिंग पे लगाया और यहाँ पे ये बता रहा 99% बैटरी, और जैसे ही मैं इसको निकाल लूंगा ये बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलता इसके अंदर। और यहाँ पे चार्जिंग के बाद लगाने में फुल लाइटें वाइटें जल जा रही है, यहाँ पे भी अलग अलग लाइटें, अंदर ये डिजिटल मीटर है जो बाहर दिखाई दे रहा था वही सेम है। और भाई ये TWS ईयरबड्स हमारे, हाँ TWS ईयरबड्स भाई ऑन हो गए, हाँ आवाज सी तो आई इसके अंदर से कुछ। देखते हैं 417 रुपए में क्या हमारे को बढ़िया चीज मिली है, क्या मजा आएगा। ये ब्लूटूथ में दिखा भी नहीं रहे, बंद हो गए। पेयरिंग पावर ऑफ, एक ही बारी में बंद, ये मुझे लग रहा चार्ज नहीं है, थोड़ा चार्ज होने देते हैं फिर आगे देखते हैं। और बाकी डब्बे के अंदर एक्स्ट्रा कान की बबलिया शबलिया मिल जाएंगी, एक टाइप टाइप सी केबल मिल जाएगी और यूजर मैनुअल मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। एंड पैकिंग भी यहाँ पे एकदम 5-स्टार रेटिंग वाली। ओहो PSP नहीं भैया, पॉप स्टेशन। और इसके अंदर भी इन्होंने कह रहे 5-स्टार रेटिंग दो हमारे को, अभी दे रहे, रुक जाओ जरा, पहले वालों में भी देने लायक तुम्हारे काम करे थे। और यहाँ पे इन्होंने सेल दे रखे हैं 5G सुपर अल्ट्रा बैटरी, वाओ। ये मेरे को मिला था 198 रुपीज का। ओ भाई ये तो वो बचपन वाली गेम दे दी इन्होंने जो मेले में 50-60 रुपए मिल जाती है, वाह भाई वाह। ये किस चीज के 200 रुपए ले लिए इन्होंने मेरे से, वाह भाई वाह। भाई कुछ भी हो यहाँ पे 200 रुपए वेस्ट हो गए हो चाहे जो भी है, बचपन की यादें ताजा हो गई। तो भाई यहाँ पे सारी वही वाली गेम मिल जाएंगी, ये मोस्ट प्रोबेबली 99.9% लोगों ने खेल रखी होगी। एंड मैं इसको क्या ही खेल के दिखाऊं, बिल्कुल 198 रुपीज वेस्ट है, बिल्कुल बाय मत करना। ये ऑफलाइन मार्केट में आराम से 50-60 रुपए का मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, 200 रुपए नॉट वर्थ इट। हाँ भाई अगले और कौन से पैसे वेस्ट हुए हैं ये देख लेते हैं। USB 3.0 वाली हब, वो भी 4 पोर्ट वाली, ये हमारे को पड़ी थी 219 रुपए की, 220 रुपए मान लो, 1 रुपए की टॉफी मिलेगी। ओहो क्वालिटी तो भैया बहुत खत्म है इसकी, बिल्कुल हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे यूज कर रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने 3.0 लिख दिया है, 3.0 वाली स्पीड देगी, आओ टेस्ट करते हैं। तो ये हमारी सैंडिस्क की 1 TB वाली SSD, हमने इसको PC पे कर दिया कनेक्ट अपनी फास्ट स्पीड वाली केबल से, और ये जो सामने वाला पोर्ट है PC का 3.0 वाला है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपिंग स्पीड हमारे को 300 से लेके 400 MBPS के आसपास मिल रही है। फिर लगाया हमने अपना सस्ता वाला USB हब जो 3.0 प्रॉमिस करता है, और इसके अंदर हमने अपनी SSD को कनेक्ट कर दिया सेम केबल के साथ। एंड यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हो KB में स्पीड आ रही है, 1 MBPS, 2 MBPS और KB में स्पीड जा रही है। तो भाई ये वाला USB हब नहीं कोई जरूरत नहीं है, 3.0 सिर्फ नाम का है, ये 2.0 वाली स्पीड भी नहीं दे रहा, ये तो खत्म ही है बिल्कुल मामला। मुझे पहले डाउट था कि 220 रुपए मिल कैसे रहा है, बस यही तो है जो भी है। अब ये अगला हमारा पतला दुबला पैकेज, हाँ ये ना PUBG वाली वो जो नहीं होती है अंगूठे की जुराबे, वो मंगाई थी मैंने, ये आई थी 20 रुपए में दोनों। ओके इसकी तो क्वालिटी बहुत बेकार है यार, ठीक है ये दो जोड़ी मिलेगी आपको 20 रुपए में, 10 रुपए की एक जोड़ी, वैसे ये ठीक ठाक वैल्यू फॉर मनी है। हाँ भाई ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, स्मूथ है और 10 रुपए के हिसाब से ठीक है। अगर आपको मोबाइल पे e-sports वगैरह खेलना हो, अगर सस्ते में जुराबे ढूंढ रहे हो, तो ये ऑफलाइन में मिल जाती है, इतनी रेट में मिलती है, वैल्यू फॉर मनी।
और अगला गैजेट हमारा माउस पैड, फर्जी आरओजी वाला माउस पैड। ये मेरे को 110 रुपए का पड़ा था और 110 रुपए में भाई इसका साइज बहुत छोटा है और जो क्वालिटी यहाँ पे वो भी अच्छी नहीं है। पीछे यहाँ पे रबर पैडिंग मिल जाएगी। ये नॉर्मली ऑफलाइन मार्केट में भी अगर आप खरीदोगे ना तो आराम से 100 रुपए का मिल जाएगा, फिर चाहे कोई भी पैटर्न ले लो। यहाँ पे आरओजी का फर्जी पैटर्न इन्होंने लगा रखा है। सच में अगर एसुस वाले इसको देख लेंगे ना तो जहर खा लेंगे भैया कि हम कब से 100 रुपए माउस पैड बनाने लग गए। एंड ये माउस पैड में थोड़ा चला के देखा था, ये इतना स्मूथ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल काम चलाऊ वाली क्वालिटी है। जब थोड़े महंगे माउस पैड जैसे बंदा चला लेता है ना उसको पता लग जाता है कि यहाँ क्या है, ये खत्म मामला है। अब अगला तामझाम देख ले जरा क्या है मसाला इस डब्बे के अंदर। ओहो, स्पीकर मंगाया था मैंने। यहाँ पे रणवीर सिंह स्पीकर कब से बेचने लग गया यार, ये तो मूवी में ठीक चल रहे थे। ओहो भैया, छोटा सा स्पीकर। ये मेरे को ना 189 रुपीस का मिला था। यहाँ पे एक स्पीकर है इसके अंदर और एक मिल जाएगी यहाँ पे चार्जिंग केबल। वाओ, बस बाकी डब्बे में और कुछ नहीं है। 5 स्टार रेटिंग की भीख इन्होंने नहीं मांगी कि हमें भी दे दो। इनको शायद अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है कि बढ़िया चलेगा। मुझे लग रहा था ये बोल रहे कि ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू फायर। इसका नाम है मिनी बूस्ट 4। वैसे स्पीकर को ना मैंने ऑफलाइन में देखा था, ये 120-100 रुपए का नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है। ये 189 का ऑब्वियसली महंगा है। आवाज सुन लेते हैं फिर भी। गाना बताओ भैया कौन सा चलाए। भाई कहता है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये जितना छोटा सा रहा सबसे बज बहुत बढ़िया रहा। और एक और चीज मेरे को इसकी अच्छी लगी, 100% वॉल्यूम पे फटी फटी आवाज नहीं आ रही। देखो बेस वेस तो नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, बट क्लियर है साउंड, लाउड बहुत ज्यादा है। थोड़ी बहुत ऐसे सेपरेशन की कमी है कि हाँ वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट ना मिक्स से हो जा रहे हैं, बट ठीक है। ऑफलाइन मार्केट में 100 रुपए के आसपास का मिल सकता है, मीशो से मंगाने की जरूरत नहीं है, महंगा मिल रहा है वहां पे। सही है, मतलब सुनने में बढ़िया है, पैसों के हिसाब से नहीं है। डॉल्बी एटमॉस वाला स्पीकर। दिखाओ भैया अगली कौन सी पैसों में आग लगी हमारे। जरा देखे ये वाला डब्बा खोल लेते हैं। ओहो, पबजी मोबाइल कंट्रोलर। ये पता नहीं मेरी टीम ने रेकमेंड करे थे कि भैया देखो ये सस्ते में मसाला मिल रहा है। और आए हाय कितनी बेकार क्वालिटी दी गई जरा इसकी। भाई यहाँ पे पूरा का पूरा यूज्ड पकड़ा दिया उन्होंने हमारे को, पूरे स्क्रैच वगैरह रखे हैं। बहुत ही बुरी क्वालिटी है, एकदम हिला हिला सा है। यहाँ हमारे को 4 ट्रिगर मिल जाएंगे जो हमारे फोन की स्क्रीन पे टैप होते हैं गेम खेलते हुए। और ये मेरे को 256 रुपीज का पड़ा था। ये भी मैंने ऑफलाइन मार्केट में देखा था 100-120 रुपए का ना, इससे बहुत बेटर मिल जाता है। ये 256 रुपीज का भाई टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है, बिल्कुल बाय मत करना, मैंने बता दिया, आगे तुम्हारी समझ है। और लगता 5 स्टार की भी मांग खेरे पेटीएम गूगल पे। यहाँ पे लिखा है 100% ट्रस्टेड सेलर, वो तो दिख गया मुझे प्रोडक्ट देख के। 5 स्टार दो, 10 रुपीज का कैशबैक, पॉजिटिव रिव्यू फोटो के साथ, वाओ, और स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप पे। मुझे लगता है मेरे को यूट्यूब की वीडियो के साथ मुझे भी ऐसे करना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे 10 रुपए कैशबैक दूंगा मैं, और मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना। देख रहे हो तुम, बोलते भैया बहुत सस्ते प्रोडक्ट है मीशो पे, ये वो मंगाओ अच्छा लग रहा फलाना निमक्का, देख लिया ना यही सब मामला है। अगला दिखाओ भैया क्या है हमारे पास। ये क्या है, अरे भैया ये दो प्रोडक्ट एक साथ दे दिए गए इन्होंने, एक केबल प्रोटेक्टर भी है। केबल प्रोटेक्टर तो मैंने शायद मंगाया भी नहीं था। ये मैंने मंगाई थी वीडियो एम्पलीफायर, ये तुमने मार्केट में बहुत जगह देखा होगा, फोन को लगा दो बड़ी स्क्रीन हो जाती है ना। ये मेरे को 108 रुपए का मिला था। अब 108 रुपीज में जरा पहले तो देख लें क्या हिसाब किताब है। ओ माय गॉड, टूरुलोब नाइस। ये यहाँ पे ऐसे अरे हाय भैया क्वालिटी इतनी खत्म है ना, 100 रुपए वाला तो कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे ऐसे आपको फोन लगाना है, ये तो बड़ा होगा स्क्रीन से बाहर ही जा रहा है। ये S23 अल्ट्रा ज्यादा बड़ा ले लिया गया मैंने। फोन टिक भी नहीं रहा बेचारा इस पे। तो चलो जरा वेनम स्टैक की वीडियो दिखाते हैं यहाँ पे लोगों को। ये भैया अगर आप दूर से देखोगे तो कुछ ऐसी क्वालिटी देगा। देखो एक तो क्वालिटी बहुत बेकार आ रही है, ऊपर से ना यहाँ पे मेरे पास S23 अल्ट्रा है जो इसके अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर उससे छोटा फोन है तो ठीक लगेगा। एंड यहाँ पे मैं कहूंगा यार ये भी बस ठीक ठीक ही है, ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगा ज्यादा बुरा भी नहीं कहूंगा। और फोन यहाँ पे खड़ा नहीं हो रहा, हाथ लगता है गिर जाता है। ये भी अगर आप ऑफलाइन मार्केट में बाय करोगे तो 150 रुपीज में बहुत बेटर मिल जाता है। ये तो भाई बहुत ही खत्म सी क्वालिटी का है। एक चीज अच्छी करी इन्होंने, केबल प्रोटेक्टर फ्री में दे दिया और भीख मांगने वाला कार्ड इसमें भी है 5 स्टार रेटिंग वाला। ऐसे प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग देंगे हम, इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। अरे हमारे TWS चार्ज हो गए होंगे, वो तो चेक कर ले। यहाँ पे दिखा रहा है ये 100% और ले तो निकालते फिर बंद हो गया। हाँ चला चला चला। ओ ये गर्म हो गए यार भाई, तो कैमरा रोलिंग रखियो, ये अगर फटफट गए ना मीशो वालों पे केस मार दियो अंधाधुन। जितने सब्सक्राइबर उसके हिसाब से बढ़िया सा क्लेम लियो जिसमें सबका घर पूरा जिंदगी भर चले। कनेक्ट तो हो गए हैं भैया, चलो अब इसकी आवाज सुनवा दो जरा। साउंड क्वालिटी 417 के थे शायद, 400 के हिसाब से ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं कह सकता मैं। बेस तो नहीं ऑब्वियसली, मतलब क्लियर है साउंड, 100% पे भी सही सी आवाज दे रही है। एंड इसके अंदर एक और बड़ा जो फीचर था ना वो पावर बैंक वाला फीचर था। इस TWS के अंदर अपना पावर बैंक है कि अपना फोन चार्ज कर सकते हो आप। ये फोन तो नहीं फाड़ देगा, इसके ऊपर ना पन्नी लगा रखी इन्होंने। नाइस, एकदम ग्लॉसी फिनिश। अब जरा फोन चार्ज करके देखें। और ये 400 रुपए की आइटम के अंदर 1.25 लाख का फोन लगाते हुए
और इनके हिसाब से 100% दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे फुल चार्ज, और इसका पावर बैंक नाम का ही है, चला नहीं है। इसे खोल के देखेंगे इसके अंदर कौन सी इन्होंने बैटरी लगा रखी है। मस्त प्लान है। खुलिया खुलिया। ओह भाई नहीं, सामान तो पूरा डाल रखा है इन्होंने। ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा मदरबोर्ड लगा रखा है, टाइप सी पोर्ट लगा रखा है, इधर एक बैटरी भी डाल रखी है। वो पता लगे चार्ज नहीं हो रही। आई थिंक इसका ना कनेक्शन नहीं, कनेक्शन तो लगा हुआ है बट ये चल नहीं रहा, फिर भी अंदर से तो ठीक है। 417 के हिसाब से मसाला तो उन्होंने पूरा लगा रखा है बट भाई ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये पता लगा बैटरी फट गई, कुछ और दिक्कत हो गई। तो ये चीजें आप, मैं कहूंगा ना ही बाय करो, कुछ ट्रस्टेड ब्रांड के ले लो। 600-700 रुपए में तो इतने बढ़िया TWS मिल जाते हैं, और ये पावर बैंक फीचर तो बस बहुत बढ़िया चला, फुल चार्ज हो गया मेरा फोन डैश चार्जिंग के साथ। और भाई उसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट जो कि हमें नहीं पता क्या है। ओहो ये भी TWS ही है। हाँ इन्होंने भैया देखो बिल्कुल ईमानदारी से लिखा है, यूज बिफोर 30 मिनट्स चार्ज, इंग्लिश रेस्ट इन पीस। और यहाँ पे भी इन्होंने 5 स्टार की भीख मांग रखी है। ये तो सेम ही नहीं लग रहे जो पहले वाले थे, दो बार आ गए क्या हमारे पास। अच्छा बस ये मॉडल डिफरेंट है, ये भी वही चीज है, पावर बैंक वाला हिसाब किताब। यहाँ पे टाइप ए पोर्ट है और यहाँ पे माइक्रो USB है, फ्लैश लाइट भी दे रखी है इसके अंदर। ओह और ये हमारे बड्स हो गए, ये लगेंगे कैसे। ओह चार्ज तो ये भी नहीं है, कहना इनका यूज बिफोर 30 मिनट चार्ज। ओके नाइस, चार्ज तो भैया ये भी दिखा रहे हैं, ऑन ही नहीं हो रहे हैं। इसके लिए भी मैं क्या बोलूं, ये भी 427 पता नहीं कितने के आए थे, मत लेना, बेकार हैं बिल्कुल खत्म। अब आ गया हमारा थोड़ा बड़ा सा डब्बा, ये हमने एक्साइटमेंट बड़े डब्बों की बाद के लिए बचा के रखी है। प्रोडक्ट कितने एक्साइटिंग निकलेंगे वो हमारे को नहीं पता, बट डब्बे एक्साइटिंग है। देखो कितनी अच्छी पैकिंग के साथ है। ओ ये है हमारा PVP स्टेशन लाइट 3000। ये गेम है भाई, ये मेरे को ना 700-750 रुपीज के पता नहीं आसपास की पड़ी थी, और ये मेरे को इंटरेस्टिंग सी लग रही थी, मैंने कहा देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ओहो PVP भैया, PSP कहाँ है। इसके अंदर इन्होंने बैटरी लगा के दी है, चाहे रस्ते में फट जाती। नोकिया 3310 की बैटरी, और यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट है इसका वो इतना पुराना चाइनीज फोन वाला चार्जिंग पोर्ट है। कैसेटें आई है इसके साथ, यार ये इंटरेस्टिंग लग गया मेरे को भाई। देखो वैसे मुझे पैसों के हिसाब से इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन कैसेट देख के ना मेरा ऐसा दिल गार्डन सा हो गया यार। लेकिन एक चीज हो गई दिक्कत, ये चलेगा कैसे, इसका चार्जर ही नहीं है इसके डब्बे में। चला लो भाई यार, ये ना लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा था। कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में नहीं होगा इसका, हम आपको कल बताएंगे चार्जर जब आएगा। तो भाई यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से केबल ढूंढ के हमने इसको कर तो लिया चार्ज, और ये वो ये जैसे पुरानी गेम नहीं होती 9 lakh in 1 यहाँ पे शो कर रहा है। और भाई 9 lakh के अंदर सिर्फ गेम 9 भी नहीं है, वो ही गेम बार बार रिपीट हो जा रहे। वो इसके अंदर 2-4-10 गेम है जिनकी फोटो आ रही है साइड में, और ये तुम में से जितने भी गेमर लोग हैं उन्होंने 99.9% खेल रखी होगी। फिर हमने कहा गेम चला दी, स्पाइडरमैन चलाई, और भाई यहाँ पे बटन सही काम कर रहे थे, मतलब डिवाइस प्रॉपरली काम कर रही थी। और फिर हमने एक्साइड बाइक में दौड़ाई थोड़ी सी मोटरसाइकिल, और रोड फाइटर में धुर्राटे मरवाए लाल गाड़ी से। और ये आया मेरा सबसे फेवरेट काम, ये जो कैसेट दी थी ना इन्होंने, मैंने एक कैसेट लगाई इसके अंदर, और इसके अंदर पता क्या हुआ, 1,11,000 in 1 की कोई गेम्स आ गई। और इसके अंदर क्या था, 5-7-10 ज्यादा था 11 गेम्स थी, और बार बार वही रिपीट हो रही थी। जैसे एडवेंचर आइलैंड है उसमें मारियो का मॉड डाल रखा था, फिर यहाँ पे आप गेम्स की लिस्ट देख सकते हो, वो ही गेम्स बार बार रिपीट हो जा रही थी। और फिर दूसरी कैसेट लगाई, इसके अंदर 2,22,000 in 1 है, और इसके अंदर भी वही 20-22 गेम थे, और उसके बाद फिर वो रिपीट हो जा रहे थे। तो भाई ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी नहीं है मेरे हिसाब से, सारे गेम्स आजकल ना फोन में रोम वगैरह डाल के भी चल जाते हैं। और ये है भाई हमारा लास्ट प्रोडक्ट, ये भी एक गेम बॉक्स ही है। और ये वाला गेम बॉक्स स्पेसिफिकली पता है मैंने क्यों मंगाया था, ये मैंने अमेजोन से भी ऑर्डर करके ना इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, आपने मेरे चैनल पे देखी होगी। ये अमेजोन से मेरे को 2200 रुपीज का पड़ा था, और यहाँ मीशो से मेरे को 800 रुपए के आसपास का पड़ा है। अब देखो कि यार सेम क्वालिटी मिलती है, चलता है नहीं चलता है। यहाँ पे 2 वायरलेस रिमोट मिल गए सेम जैसे उसके अंदर हमारे को मिले थे, और ये हमारी मेनली डिवाइस हो गई। ओके ये सस्ती इसलिए क्योंकि ये HDMI वाली नहीं है, ये नॉर्मल है, उसके अंदर ना HDMI वाला हिसाब किताब था। ये AV पोर्ट के अंदर लगेगी, और यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया, और ये हमारा USB वाला हो गया हिसाब किताब। तो भाई इसको हम टीवी से कनेक्ट कर रहे थे, यहां हमने ध्यान से देखा इसका जैक ही अंदर से टूटा हुआ है, ये खराब है, और ये ना आप देख सकते हो आवाज भी आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे 830 रुपीज होते हुए खराब, वैसे कोई नई बात नहीं है, सब कुछ ही खराब निकल रहा है। और इसका ना HDMI वाला वर्जन जो हमने चैनल पर रिव्यू कर रखा है ऑफलाइन मार्केट में, वो भी आपको 800,000 का ही मिल जाएगा। ये माइक्रो USB वाला लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैसा बर्बाद। तो भाई ये थे मेरे 3,000 रुपए बर्बाद, और भाई टोटली एक भी गैजेट रेकमेंडेड नहीं है इसके अंदर से। ऐसी मीशो जैसी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है इसके ऊपर सस्ते सस्ते गैजेट मिल रहे होते हैं, 100 रुपए 200 रुपए में ऐसी ऐसी चीज दिखेगी जैसे पता नहीं भैया क्या ही अपलोड कर रखा हो, फोटो इतनी अच्छी अच्छी डाल देते हैं। और ये वही सारा सामान है जो रेलवे स्टेशन के बाहर बिक रहा होता है, नॉर्मली छोटी छोटी दुकानों में बिक रहा होता है, वो इन्होंने महंगा करके एक वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, अच्छी अच्छी लिस्टिंग कर दी, फोटो डाल दी, ये लगेगा देख के हाँ भाई हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो पता नहीं क्या ही आ जाएगा। वही गंद मिलेगा आपको जो गंद नॉर्मली मार्केट में मिल रहा है। अब मार्केट में जो गंद लोगे कम से कम
कम पैसे तो दोगे, इतने पैसे फूक के भी वही चीज लेनी है तो भाई बिल्कुल मत देना, एक भी चीज रिकमेंडेड नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मीशो के ऊपर सारा कुछ ही बेकार है, हो सकता है कुछ अच्छी चीजें भी मिलती हो जो मेरे को नहीं पता। मेरे को गेमिंग गैजेट्स की डिमांड आई थी, मैंने वो मंगाए, और ये जो सब मैंने मंगाया था इसमें से कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो भाई मेरी तरफ से इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो, आपको बताया मैंने कि इस टाइप के प्रोडक्ट लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, तो वीडियो को लाइक मार देना। आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस टाइप की वेबसाइट्स का वो भी कमेंट करके बताना, एंड पहली बार आ तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।